दोस्तों आदाब, मैं हूं मंजूश्री। वादा खिलाफी ना करते हुए एक बार फिर मैं हाजिर हूं कुछ लंबी फुर्सत के साथ। पॉलिटिशियंस के बारे में हम क्या जानते हैं, उनके बारे में हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। आज मौका है कि हम उनसे रूबरू हो सकेंगे, उनसे बातचीत हम करेंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं समता पार्टी के प्रेसिडेंट और हमारे मुल्क के मिनिस्टर फॉर डिफेंस जनाब जॉर्ज फर्नांडिस साहब से। चलिए मिलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान जनाब जॉर्ज फर्नांडिस साहब। जॉर्ज साहब, ईटीवी नेटवर्क की तरफ से हमारे इस प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में आपका खैर मकदम है। जॉर्ज साहब, आपके बचपन की पहली यादें क्या हैं? पहली यादें मेरे छोटे भाइयों को साथ बिठाकर और उनके साथ भविष्य कैसे होना चाहिए उसकी चर्चा करते रहना, और उसके साथ कुत्ते बिल्ली इनसे खेलते रहना, हर प्रकार का जानवर के साथ बड़े प्यार से व्यवहार करना। जॉर्ज साहब, बचपन में आप किसके सबसे ज़्यादा करीब थे? नहीं, अगर पिताजी और माताजी दोनों की बातें अगर लेनी है तो स्वाभाविक है कि मैं अपने माँ के ही साथ रहा, बहुत नज़दीक। और मेरे छोटे भाई, मैं तो 6 लड़कों में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे छोटे भाई एक के बाद एक 5 थे और हैं आज भी, तो यही हमारे नज़दीकी लोग रहे हैं। आज के जॉर्ज फर्नांडिस के शख्सियत में कहीं कोई बचपन ना कहीं पे कोई बचपन छुपा हुआ है? मैं तो भीतर से अभी भी उसी मन का हूँ, सोच का हूँ, और इसलिए मेरी जो मित्रता है वही जानवरों के साथ है और छोटे बच्चों के साथ है। आपने अपनी तालीम कहाँ हासिल की? तालीम तो सबसे पहले हम गए थे बोर्ड स्कूल में। मेरा जन्म तो मंगलोर में है और वहाँ हमारे घर के बगल में सरकारी स्कूल थी, बोर्ड स्कूल करके कहा जाता जी। तो वहाँ पहली दूसरी की तीसरी के लिए म्यूनसिपल स्कूल में गए, चौथी के लिए चर्च स्कूल में गए, पांचवी से लेकर हाई स्कूल पूरा होने तक सेंट्रल विशेष कॉलेज के जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल था उसमें रहे। आगे फिर हमने पढ़ाई न करना चाहा, पिताजी चाहते थे कि हम मैट्रिक पास होते ही कॉलेज में चले, तो मैंने कॉलेज चलना पसंद नहीं किया, इसलिए कि पिताजी का यानी हम लोगों की जो ज़मीन थी शहर के बाहर, तो वहाँ जो हमारे ज़मीन पर काम करने वाले या वहाँ जिन जो वहाँ पर टेनेंट्स के तौर पर रहते थे, तो उनको हमेशा वो बदलते थे और कोई निकल नहीं जाए तो फिर उनकी पिटाई हो जाती थी। हम इसको देखते थे और बहुत गुस्सा था, तो मैंने पिताजी से कहा कि नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं वकील नहीं बनूंगा। वो चाहते थे कि मैं वकील बन जाऊं, मैंने कहा नहीं बनूंगा और आपके मुकदमे में नहीं चलाऊंगा, तो मैं सेमिनरी जाऊंगा। तो मैं चला गया बेंगलोर सेमिनरी में, वहाँ फिलॉसफी पढ़ी, 3.5 साल का अध्ययन किया 2.5 सालों में जी। एक नौजवान की हैसियत से आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसे आप भूल नहीं पाते हैं? कतनी करनी में जो फर्क हमने देखा धर्म गुरुओं में,
आगे हमने अनुभव किया कि ये केवल ईसाई धर्म गुरु मात्र नहीं, दुनिया के जितने भी धर्म गुरु हैं कतनी करनी में अंतर न रखने वाले शायद अपने हाथ के उंगलियों पर गिनने इतने होंगे। तो हम जब सेमिनरी छोड़कर आए, सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, बंबई पहुंच गए, समाजवादी आंदोलन में अपना योगदान देने लगे, तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मेरा संपर्क हुआ और परिचय हुआ, हम उनके नज़दीक रहे और हमने ये देखा कि मैंने जिस कारण से सेमिनरी छोड़ी थी और जिसने मुझे उस क्षेत्र से ही बाहर निकाल कर लाया था, तो डॉक्टर लोहिया के मुंह से हमने ये बातें सुनी, कतनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, राजनीति में, जीवन में कतनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हर नौजवान ख्वाब देखता है अपनी जिंदगी के लिए, आपने अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए ख्वाब देखा, कहाँ तक पहुंचे आप? देश की जो आज हालत देख रहा हूं उससे लगता है कि कोई ऐसा कोई फर्क पड़ा है, हमने जो देश को जिस तरह से हमने चाहा कि ये देश बने, तो इसमें हम लोग कोई अपने मंजिल के नज़दीक पहुंचे हैं ऐसा कहने लायक कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग समूचे देश के ऊपर अपनी नज़र डालें तो कुछ मामलों में आप ये कह सकते हैं कि प्रगति हो गई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रगति देश की नहीं हुई है, लेकिन देश का प्रगति का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि फी आदमी आमदनी कितनी बढ़ गई या नए कौन से उद्योग पैदा किए गए आदि आदि, ये नहीं है। मनुष्य का जीवन में कितना सुधार हम लोग ला पाए और शांति और यानी अमन जो कहा जाता है वो अमन, और उसके साथ हर व्यक्ति को अपने इज्जत के साथ रहने का जो अधिकार है हर व्यक्ति को, तो वो अधिकार कहाँ तक उसको मिला? अगर इन तीन चीज़ों के दिशा में आप अपनी नज़र डालेंगे तो हम लोगों की स्थिति में कोई सुधार होने के बजाय कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं करके। कभी ऐसा हुआ कि आप कॉलेज बंक करके अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले गए हों और उसके बाद पकड़े भी गए हों? मैं स्कूल जाते समय कुछ एकाध तस्वीर हमने देखी, सुरैया नाम की एक फिल्म एक्ट्रेस कोई उन दिनों में खूब मशहूर थी, और दूसरी का नाम था मधुबाला, और एक नहीं नहीं ये क्या नाम रेन की, वो जो लड़का गड़बड़ी करते रहता है, उसकी माँ नरगिस। तो ये तीन लोग, ये तीन लड़कियां और वो कौन, एक अशोक कुमार, एक दिलीप कुमार और कोई नाम हमको याद नहीं, तो ये दो और ये तीन पांच लोगों का नाम हमको कुछ पसंद होता था। और कभी कभी मेरे मित्रों को लेकर हम, मित्रों के साथ हम ये सिनेमा देखे हैं। अपनी मसरूफियत भरी ज़िंदगी में कभी आप ऐसा चाहें कि आप बिल्कुल सुकून से रह सकें अपने साथ, तो हमारे मुल्क में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जाना चाहेंगे? मैंने अपने मुल्क में हो या विश्व के किसी भी मुल्क में हो, और अनेक मुल्कों में मैं गया हूं जी, लेकिन जहां मुझे काम नहीं रहा वहां मैं कभी नहीं गया हूं, मैंने कभी छुट्टी नहीं मनाई है। हमें एक कोई गाना बताइए जिसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से हो। संगीत को पसंद करता हूँ और म्यूज़िक तो अपने साथ में जहाँ भी दौरे पर वगैरह एक ज़माने में जाता था जी, तो वो छोटा कैसेट को और वो कैसेट प्लेयर को अपना ब्रीफ केस में रखता था, वेस्टर्न क्लासिकल और हमारा भारतीय क्लासिकल जी, हमारी मनपसंद का म्यूज़िक है।
जी, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई शख्सियत? हमारी ज़िंदगी जिस तरह की रही है उसमें ये सब चीज़ें कभी आई ही नहीं है, क्योंकि एक संघर्ष से दूसरा संघर्ष, एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई, और हर प्रकार के अन्याय से लड़ने का काम, तो उसमें कहाँ ये सब चीज़ों के लिए जगह है और समय है। हम तेरी याद से खतरा के गुजर जाते, मगर कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी नहीं हुई हो और आज भी खलती हो, चुभती हो? मेरा ख्वाब एक ही है कि हमारा देश कैसे मजबूत हो जी, विश्व में एक ताकतवर राष्ट्र के तौर पर कैसे खड़े रहे, और वो मजबूती और वो ताकत इस देश में जो लाचारी आज करोड़ों लोगों के बीच में है, तो वो लाचारी को मिटाने में कैसे वो काम में आवे जी, और जुल्मी लोगों को, भ्रष्ट लोगों को कैसे नाश कर डालें, हमारी तो यही सबसे बड़ी जीवन की इच्छा है, और इससे बढ़कर इस कोई इच्छा नहीं है। जमीन से आसमां तक साथ चलना है, किस तरह के लोगों का साथ आप चाहते हैं? हमारी तो नज़र तो वहीं रहती है कि कौन हम जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग से चलने के लिए कौन हमको मिल सकता है, हम उन्हीं के खोज में रहते हैं, और ऐसे लोग आजकल लगभग मिलते ही नहीं है, क्योंकि दुनिया भी बनी है पैसे की। हम जब राजनीति में आए, सार्वजनिक जीवन में आए, तब और देश की आज़ादी के लिए जब लोग लड़े तो पैसे के लिए नहीं आए थे, पैसे के लिए नहीं लड़े थे। आज की दुनिया में पैसा छोड़कर और कोई चीज़ है ही नहीं। जैसा कि मुझे याद है, पिछले 30 सालों में क्राइसिस या डैमेज कंट्रोल के वक्त आपको ही याद किया जाता है, कैसे कर पाते हैं ये सारा कुछ आप? इसलिए कि मैंने कहा कि अन्याय जहाँ भी है उसको, उसका सामना करना है, और जो क्राइसिस आ जाती है वहाँ अन्याय भी सामने उसके उसके साथ आ जाता है जी। आप चलिए उड़ीसा, इतना बड़ा वो साइक्लोन आया, दसों हजारों में लोग मरे जी। और हमने अनुभव किया वहाँ पर कि लाशें तैरती रहीं लेकिन उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मुझे बम्बई में जिस मजदूरों, जिन म्यूनिसिपल मजदूरों को हमने संगठित किया था जी। और जो मुंबई म्यूनिसिपल मजदूर यूनियन है जिसका आज भी मैं अध्यक्ष हूँ, हम इस्तीफा देते हैं जब हम सरकार में आ जाते हैं तब, लेकिन वो लोग इस्तीफा नहीं लेते, ऐसे बना रखते हैं जी। तो मैंने वहाँ से 500 हमारे मजदूर साथियों को उड़ीसा ले जाकर उनके हाथों से ये काम कराया, और हमारे NCC के जो कैडेट्स थे उनके हाथों से ये काम कराया, लेकिन वहाँ हमने देखा कि कोई कुछ करने तैयार नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि खुद की नज़र में जॉर्ज फर्नांडिस एक अच्छे शख्स हैं या एक अच्छे पॉलिटिशियन, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का अर्थ क्या है, मुझसे जब कभी कोई पूछता है, क्योंकि खूब लिखने वाले जो पढ़ने का पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, ऐसे बहुत लोग हैं, दर्शन शास्त्री हमारे देश में कम नहीं है, दार्शनिक हमारे देश में कम नहीं है, लंबा लंबा लिखने वालों की भी कमी नहीं है जी। लेकिन राजनीति का जब हमसे कोई पूछता है कि क्या है राजनीति, तो मैं कहता हूँ राजनीति यानी लोग हैं, पॉलिटिक्स इज पीपल, इट इज़ अबाउट पीपल, राजनीति यानी लोगों का सुख, लोगों का दुख, उन्हें सुख मिले इसके लिए मेहनत करना, उनका दुख जो है वो दूर करना, ये राजनीति है, बाकी सब बकवास है, बाकी सब स्वार्थ है। आपका पसंदीदा खाना क्या है? खाना जो खिलाओगे वो खाएंगे। मान लीजिए आप घर लौटे और बहुत तेज भूख लगी और घर पे कोई नहीं हो आपको खाना बना के देने के लिए, आप क्या करेंगे, आप क्या बनाएंगे खुद के लिए? हम पानी पीकर सो जाएंगे, मैं 9 बजे के बाद खाना ही नहीं खाता हूँ। 9 बज गया तो मैं एक गिलास दूध पीऊँगा, अगर एक आध केला या कोई भी फल हो तो उसको खाऊँगा और सो जाऊँगा, इसलिए कि सुबह मुझे मेरा काम जो शुरू करना है जी। और उसके वो काम शुरू करने के पहले मुझे अपना कपड़े धोने हैं और
जो भी सुबह की जो भी फाइलें वगैरह हैं, पेपर वगैरह हैं, तो उसको देखना है जी। ये सब चीज़ हम करते हैं, तो इसलिए मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना भी होता है जी। और एक बार मैं मेरा अपना काम किया, नाश्ता करके निकल गया, तो फिर हम अपना और इधर उधर दौड़ने का पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं रात को 9 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ जी। वो हजम नहीं होता है मुझे। मैं जब सुबह उठकर अपना दिन भर के कार्य के लिए फिर से तैयार हो जाता हूँ। वैसे तो आपकी ज़िंदगी बहुत मसरूफियत भरी है, लेकिन अगर आप बाज़ार जाएं तो अपने लिए क्या ख़रीदेंगे? अपने लिए मैंने कभी कुछ ख़रीदा ही नहीं है। दुनिया भर में घूमता हूँ, लेकिन कभी हमने मेरे साथ गए हुए सारे अधिकारियों का पकड़ कर पूछिए, मैंने अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा है। अगर कभी कुछ ख़रीदा हो, कोई ब्लैक चॉकलेट्स ले आओ करके किसी ने कहा हो, तो एक आध पैकेट वो ख़रीद कर लाया है, और कुछ नहीं। चॉकलेट्स खाना अच्छा आपको नहीं लगता? ना, हम नहीं खाते। आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं आप? मेरे लिए पसंद है ना, एक तो मेरा अपना राजनीतिक आर्थिक चीज़ों पर मेरी नज़र सबसे ज़्यादा रहती है जी, इतिहास पर मेरी नज़र है, और उपन्यास वगैरह पर कोई विशेष कोई मेरी नज़र नहीं है जी। हम तो इतिहास विशेष कर पसंद करते हैं। ऐसा भी वक्त होता होगा जब आप बिल्कुल तन्हा होते होंगे, बिल्कुल अकेले, उस वक्त आप क्या करते हैं? जब सुबह कपड़े धोता हूँ, आई हम टू ट्यून्स, एक तो आनंद लोके, ये गुरुदेव ने लिखा हुआ है जी। क्या है, आप हमारे लिए गुनगुना देंगे? नहीं, हम तो आई ओनली हम द ट्यून, आई डोंट सिंग। ओके। और दूसरा जो वो असल में है एक हिम, जो हमारे जब 26 जनवरी के बाद जो बीटिंग द रिट्रीट होता है ना जी, तो उसमें वो चीज़ होता है जी। ये दो ट्यून्स हमारे अपने मनपसंद के हैं, और मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, मैं कार में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, ट्रेन में हूँ, विमान में हूँ, आई कीप हमिंग। अक्सर ऐसा होता है या कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और, दिल की बात माननी चाहिए या दिमाग की बात, आप क्या कहते हैं? देखिए, कहाँ ना कहाँ दिल और दिमाग को एक जगह पर लाना चाहिए। ये जो दिल को दिमाग से अलग करना या दिमाग को दिल से अलग करना, ये मनुष्य को कोई बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये दोनों में अगर मेल नहीं होता हो, आपको अगर आपके मन में किसी के प्रति बहुत कुछ कहने लायक हो, तो फिर आपने अपने मन से उसको कहने का अपने ज़बान पर लाकर कार्य करना ही चाहिए। तो मेरे दिल में यह था, लेकिन मन में तो नहीं आ पाया, तो इसका मतलब आपका आपके पर्सनालिटी में कोई फॉल्ट लाइन है। आप हमारे नौजवानों के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि नंबर एक वो अनुशासित हो, नंबर दो वो कभी ऐसी चीज़ की तरफ अपनी नज़र नहीं ले जाए जो अपने हाथों में वो न आने वाली चीज़ हो। वो अपनी ईमान को इतना बना रखे कि कहाँ भी किसी भी प्रकार का घूस देना या घूस लेना या नाजायज़ पैसे को किसी से हासिल करना, ऐसा एक संकल्प ले, और देश के प्रति अपनी श्रद्धा रखे। ये देश का विकास और इस देश को अति ऊंचाई पर पहुंचाने का एक संकल्प अपने मन में लेकर अपने काम में लगे। जॉर्ज साहब, आपने हमें बहुत सारा वक्त किया, अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। वैसे तो हम आपके बारे में अखबार में पढ़ते हैं और वो सारी चीज़ें सियासत से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन आप कैसे हैं, आपकी सोच क्या है, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ नागवार गुजरती है, आपने हमें बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सा।